एक्ट्रेस काम्या पंजाबी अगले साल शादी कर रही हैं। जी हां, टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी की जिंदगी में एक बार फिर प्यार लौटा है। एक्ट्रेस दूसरी बार शादी करने जा रही हैं। काम्या दिल्ली बेस्ड हेल्थ प्रोफेशनल शलभ दांग से शादी कर रही हैं। शलभ हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आपको बता दें कि काम्या तलाकशुदा हैं। इससे पहले उनकी शादी बिजनेसमैन बंटी नेगी से हुई थी, लेकिन कुछ निजी मनमुटाव के चलते दोनों ने 2013 में तलाक ले लिया था। उसके बाद शलभ और काम्या इसी साल फरवरी में मिले। ये शलभ की भी दूसरी शादी होगी। पहली शादी से शलभ को एक 10 साल का बेटा ईशान है, वहीं काम्या की 9 साल की बेटी आरा है। काम्या पंजाबी का नाम टीवी एक्टर करण पटेल के साथ भी जुड़ा। दोनों के अफेयर की चर्चा काफी तेज थी, लेकिन उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। करण ने एक्ट्रेस अंकिता भार्गव से शादी कर ली। करण के बाद काम्या का नाम बिग बॉस 10 के विनर बनवीर गुर्जर से भी जुड़ा था। दरअसल रिसेंटली काम्या ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी बताते हुए खुलासा किया और कहा कि मैं हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम को झेल रही थी, इसलिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे शलभ से कॉन्टैक्ट करने को कहा। इसके बाद हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे। एक या डेढ़ महीने के बाद शलभ ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले मुझे हिचकिचाहट हुई, क्योंकि मुझे दूसरी बार शादी करनी थी, इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी। मेरी एक शादी टूट चुकी थी, दिल भी मेरा टूटा था, इसकी वजह से मैं शादी और प्यार में पड़ने से भागती थी। काम्या ने आगे कहा, मैंने तो अब जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन शलभ की वजह से मैं फिर से प्यार और शादी में भरोसा करने लगी हूँ। सच माने में इस वक्त मैं 16 साल की लड़की की तरह शलभ के प्यार में पागल हूँ। खैर, काम्या पंजाबी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। और काम्या और शलभ की शादी पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे अपडेट के लिए देखिए हमारे चैनल को।